हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है जेपे एक्सचेंज से रिलेटेड। अगर आपका जेपे एक्सचेंज पर INR पड़ा हुआ है तो इसका क्या होगा आपका? अगर ये कुछ नेगेटिव न्यूज आया RBI के तरफ से, जो कि 11 सितंबर को न्यूज आने वाला है, तो उसके पहले ये अजीत खुराना का आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिए कि उनका क्या कहना है इस विषय पर। वो हम इस वीडियो में लाइव दिखाएंगे उनका रिकॉर्डिंग, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए विदाउट स्किप। और उसके पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल या PC पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका अजीत खुराना जी का, जो CEO हैं जेपे का, उनका मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम अजीत खुराना है और मैं ज़ेप्पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का CEO हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमने बिटकॉइन पर बहुत चर्चाएं सुनी। कुछ लोग कहते थे कि बिटकॉइन की इतनी कीमत क्यों है, इसमें इतना उतार चढ़ाव क्यों आता है। कुछ लोग कहते थे कि बिटकॉइन बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते थे बुरी चीज़ है। मगर इस सारे डिस्कशन में, इस सारी बातचीत में एक बात जो अक्सर रह जाती थी वो ये थी कि बिटकॉइन या बिटकॉइन की तरह ही कोई अन्य कॉइन या टोकन ज़रूरी है पब्लिक ब्लॉकचेन चलाने के लिए। और पब्लिक ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर जो है, ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, बहुत बड़ी फिनेंशियल इनोवेशन है हमारे देश के लिए, फिनेंशियल सेक्टर के लिए, कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए, IT सेक्टर के लिए बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। इसलिए इंडिया को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मगर जो बातचीत थी वो हमेशा बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की बन के रह जाती थी और हम भूल जाते थे कि हम असल में पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं। एंड 2017 से, पिछले साल के एंड से, हमने ऐसा होते देखा कि कुछ बैंक्स ने यूज़र्स को या एक्सचेंजेस को सपोर्ट करना बंद कर दिया। बैंक अकाउंट बंद हो जाते थे, तकलीफ़ होती थी हमें भी, यूज़र्स को भी। हमने तो बार बार अलग अलग बैंक्स में अकाउंट खोले, यूज़र्स को भी शायद ऐसा करना पड़ा हो। फिर अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज़ और फिर एक सर्कुलर रिलीज़ किया, जिससे कहा कि बैंक्स इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके 3 महीने बाद, यानी कि 5-6 जुलाई को, हमने ये बैंकिंग का, यानी कि डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ इंडियन रुपीज़ बंद कर दिए। उससे काफ़ी पहले हमने ये वार्निंग देनी शुरू कर दी थी कि ऐसा होगा। अनेक अनेक माध्यम से हमने ऐसा किया। उसके बावजूद लोगों का जो ज़ेप्पे के प्रति प्रेम है या विश्वास है, उसमें कभी कमी नहीं नज़र आई। और जो हमारा जो नेट INR विड्रॉल था, यानी कि जितना हमारे पास रुपी पड़े थे कस्टमर्स के, उसमें एक बहुत ही मामूली सा गिराव आया। हमें बहुत अच्छा लगा। इस दौरान जब RBI का सर्कुलर आया था, उससे लेकर जुलाई तक हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट की कई डिपार्टमेंट से, सेबी से, अन्य लोगों से काफ़ी बातें की, उनको समझाने की कोशिश की कि इस तरह से तो कोई बिजनेस इंडिया में चल नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया, अब भी चल रहा है। हमारी कोशिश बहुत ज़्यादा थी उस समय भी और अभी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये देश के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत लाभदायक है। मगर साथ ही साथ हमने ये देखा कि चूंकि पहले भी कैपिटल कंट्रोल होने की वजह से, यानी कि इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसी, जो कि इंडिया के बॉर्डर को ज़्यादा क्रॉस, अगर क्रॉस करे तो उसमें बहुत परमिशंस और लिमिटेशंस आ जाती हैं, इस कारण की वजह से पहले भी इंडिया में बिटकॉइन का या अन्य क्रिप्टो करेंसीज का जो प्राइस होता था, जो कीमत होती थी, वो अन्य देशों के या इंटरनेशनल प्राइस से थोड़ा ज़्यादा होता था। मगर जब बैंकिंग चैनल्स बंद हो गए तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया। पहले 5-8% होता था, तो अब 20-30% हो गया। हालांकि हम तो एक्सचेंज हैं, हम ना बिटकॉइन खरीदते हैं ना बिटकॉइन बेचते हैं, तो बिटकॉइन की खरीदी और बिकारी जो सेल होती है, वो तो कस्टमर्स के बीच में होती है, हमारा बीच में एक कमीशन या फी कह लो होती है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों की बिटकॉइन का कीमत बढ़ रही है या वो 30% ज़्यादा दे रहे हैं, वो आपस में दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हमें तो बस उस पर एक मामूली सी 0.1, 0.2 या 0.25% फी एक्स्ट्रा मिल रही है। मगर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये बात ठीक नहीं है।
ऐसा क्यों कि यदि 100 रुपए पे किसी को बिटकॉइन मिल रहा है दुनिया में, तो हमारे इंडियंस को 130 पे मिल रहा है, यानी कि 30% ज्यादा पे क्यों मिल रहा है? हम समझते हैं कि कस्टमर्स के प्रति ज़ेप्पे का भी कोई दायित्व है। ज़ेप्पे लगभग 4 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं तो इसमें महज पिछले 5 महीनों से हूँ, मगर मैं जब भी किसी ज़ेप्पे के एम्प्लॉई से बात करता हूँ, हमारे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, मैं देखता हूँ कि हर एक के मन में ये एक ही बात होती है कि कस्टमर के लिए क्या अच्छा है। जब मैं इंजीनियर के साथ बैठा होता हूँ तब वो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। जब मैं अकाउंटिंग के लोगों से या फिनेंस के लोगों से या कंप्लायंस के लोगों से, मार्केटिंग के लोगों से, किसी से भी बात करता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि वो कस्टमर्स को सबसे आगे रखते हैं। यही ज़ेप्पे की खूबी है। मैंने भी ज़ेप्पे से यही सीखा है और मैं आगे भी यही करना चाहूँगा। तो इसलिए आज बहुत दुख के साथ आज मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है कि हमने डिसाइड किया है कि चाहे इससे हमारे बिजनेस को, ज़ेप्पे के बिजनेस को धक्का पहुंचेगा, मगर कस्टमर्स का हित ध्यान में रखते हुए हमारा अभी ये कुछ दिनों में ये प्रयास होगा कि कस्टमर्स के जो पैसे हमारे पास पड़े हैं, जो कस्टमर्स ने ट्रस्ट किया है हमारे पास, इवन ये जानते हुए कि हम उसे लौटा नहीं सकेंगे RBI के इंस्ट्रक्शन की वजह से, हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि कस्टमर्स के सारे पैसे लौटा दें। अगले कुछ दिनों में, शायद अब से 3-4-5 दिन के बाद ही आप ये पाएंगे कि आपके पास जो रुपी बैलेंस आपका दिख रहा था ज़ेप्पे पर, वो आपके बैंक अकाउंट में, जो आपने बैंक अकाउंट नोटिफाई किया था आपके अकाउंट ओपनिंग के टाइम, या जो आपका लेटेस्ट बैंक अकाउंट था, तो उसमें वो पैसे वापस आ जाएंगे। जब ये INR इंडियन रुपी इतना सारा वापस चला जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि कारोबार जो है, यानी ट्रांजैक्शंस हैं, जो परचेज और सेल ऑफ बिटकॉइन है, उसमें कुछ गिरावट आए। इससे ज़ेप्पे की अर्निंग पे, ज़ेप्पे की अर्निंग में काफ़ी कमी आएगी, मगर ये हम इस समय उस पर ध्यान नहीं दे सकते। हमें ध्यान देना है सिर्फ कस्टमर्स पे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि ठीक उसी तरह जिस तरह आप, यानी कि ज़ेप्पे के कस्टमर, और हम जानते हैं कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन खास करके इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत लाभदायक है, ठीक उसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी ज़रूर इस बात को मानेगी। मगर कब मानेगी? हम जानते हैं कि सूनर और लेटर, यानी अब या बाद में तो ज़रूर मानेगी, लेकिन हो ऐसा रहा है कि देर थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर्स, यानी कि आप, बस बैठे रहे और रुके रहे, इसलिए हमने ये कदम लिया है। आपके जो इंडियन रुपीस हमारे पास हैं वो हम लौटा देंगे, आपके जो क्रिप्टो टोकन्स हमारे पास पड़े हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो जब चाहे ले सकते हैं, मगर वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वॉलेट्स चलते रहेंगे, डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी चलता रहेगा। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास यही रहेगा कि यदि इंडिया में ठीक तरह से अगर एक्सचेंज चलाई जा सकती है, जिससे कि आपको तकलीफ ना झेलनी पड़े, तो ज़ेप्पे किसी भी तरह उससे पीछे नहीं हटेगा। जैसे पीयर टू पीयर लोगों ने शुरू किया, अन्य माध्यम से, कोई इस वेबसाइट में जाके पैसे दे दो, उससे इस वेबसाइट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फिर आप ट्रेड कर लो, फिर घुमा लो, ये सारे जो तरीके हैं कई लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें नहीं भाते, हमें नहीं लगता कि कस्टमर के लिए ये चीज़ ठीक है। और कल जब कोई तकलीफ़ आई, चाहे इनकम टैक्स की तरफ से या कोई लॉ एनफोर्समेंट की तरफ से, कि आपने इधर से इधर कैसे ट्रांजैक्ट किया, जिसको आप पैसे दे रहे हो वो कौन है आपको नहीं पता वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर्स इसे कन्वीनियंटली डील कर पाएंगे। तो इसलिए हमने वो तो रास्ता कोई अपनाया ही नहीं है। इस समय हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अथॉरिटीज़ के साथ काम करें और ऐसा एक सिस्टम बनाएं जिससे कि आप सारे ज़ेप्पे के कस्टमर्स हमारे साथ अच्छी तरह ट्रांजैक्ट कर सको। मगर तब तक हमारा यही निर्णय है कि आपके जो रुपए हैं, इंडियन रुपीज़ हैं, वो आपको वापस देने का कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी आप हमारे पास रहने दे सकते हैं, हम हमारे वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, यदि आप लेके जाना चाहें तो ज़रूर लेके जा सकते हैं। और अगले मैसेज की वेट कीजिए, हम ज़रूर वापस आएंगे, आपके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढेंगे जो कि इंडिया के लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी अच्छी तरह बैठे, और हमारी ये धारणा हो कि कस्टमर्स के लिए भी, आपके लिए भी वो सिस्टम अच्छा हो। तब तक के लिए इंतज़ार करते हैं, मिलेंगे फिर से।